हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम का पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट करके नया पासवर्ड कैसे बनाया। हाँ गाइस, अगर आप भी अपने पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, रिसेट करके फॉरगेट करके नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो गाइस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस करना क्या, आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस मेरा पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। अब गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे कोने साइड में आपका प्रोफाइल होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके आगे आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेटीएम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करे नहीं देता है। यहाँ से मैं आपको इमेज के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल सेटिंग और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चैट व्हाट यू यस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पे लोडिंग करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2-4 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद चैट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 2-4 सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई वॉन्ट टू चेंज माई करंट पासवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक चैट हो जाएगा। उसके बाद पेटीएम की तरफ से आपको यहाँ पे एक रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एक ऑप्शन आएगा, रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आएगा रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन और यहाँ पे नीचे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, जो मोबाइल नंबर आपके पेटीएम में लिंक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा प्रोसेस का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद OTP ऑटोमेटिक यहाँ डालने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा, सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एक अपना नया पासवर्ड आपको बना लेना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए आपको डाल देना है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी पासवर्ड आपको बनाना है और यहाँ पे चारों में यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा तभी आपका पासवर्ड आपको सही रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे मैं अपना पासवर्ड बना लिया हूँ, उसके बाद चलिए मैं यहाँ नीचे यही पासवर्ड मैं कन्फर्म करने के लिए डाल देता हूँ। यहाँ मैं पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आएगा कन्फर्म है, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके डिस्प्ले पर शो कर जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल चेंजेस, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है पेटीएम का वो चेंज हो चुका है, और आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पेटीएम का पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों का कोई सुझाव हुआ तो आप एक कमेंट का जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।